बाहुबली विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंच गई थी। जी हां, पटना पुलिस को निराशा हाथ लगी, लेकिन सरकारी आवास पर जैसे ही पुलिस पहुंची, अनंत सिंह अपने पिछले दरवाजे से फरार हो गए। बाहुबली विधायक अनंत सिंह पुलिस को चकमा देकर आखिर कैसे फरार हो गए? विधायक का करीबी छोटन इस वक्त तक गिरफ्तार हो गया। छोटन सिंह पर हत्या के 22 मुकदमे दर्ज हैं। पिछले दरवाजे से कैसे अनंत सिंह फरार हुए, ये जानकर हो जाएंगे आप हैरान। बाहुबली विधायक अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पटना पुलिस शनिवार देर रात उनके सरकारी आवास पहुंची। जब अनंत सिंह को पुलिस के आने की भनक लगी तो वो आवास के पिछले दरवाजे से फरार हो गए। पुलिस ने अनंत सिंह के सरकारी आवास से छोटन को गिरफ्तार कर लिया है। छोटन विधायक अनंत सिंह का करीबी है। छोटन बाढ़ के 295/90 के मामले में फरार था। छोटन सिंह पर 22 हत्या के मामले हैं। ग्रामीण एसपी कांतेश मिश्रा और सिटी एसपी सेंट्रल विनय तिवारी के नेतृत्व में पुलिस जब पहुंची तो घर का दरवाजा बंद था। पुलिस किसी तरह घर के अंदर दाखिल हुई, लेकिन घर के अंदर का दरवाजा पुलिस को बंद मिला। इसके लिए पुलिस को 30 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। पुलिस ने विधायक के फरार होने पर कहा कि हमने अनंत सिंह की पत्नी से बातचीत की, उनकी पत्नी ने अनंत सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। अब हम आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे। शनिवार को बाहुबली विधायक अनंत सिंह के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस भी दर्ज हुआ है। विधायक के पैतृक आवास से एक ग्रेनेड और AK-47 भी बरामद किया गया है। इससे पहले बिहार के बाहुबली और निर्दलीय विधायक अनंत सिंह के घर छापेमारी करके पुलिस ने AK-47 बरामद किया था। पुलिस ने मोकामा विधायक अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा में पटना ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में शुक्रवार सुबह छापेमारी की थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने विधायक के घर से 2 बम भी बरामद किए थे। बाहुबली विधायक के ऊपर दर्जनों हत्या और हत्या के प्रयास के केस पहले से चल रहे हैं। बाहुबली विधायक अनंत सिंह पुलिस के रडार पर एक बार फिर तब आ गए जब पिछले दिनों एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जहां वो अपने सहयोगी के साथ मिलकर अपने विरोधी की हत्या की साजिश रचते हुए सुनाई दे रहे थे। इसी क्रम में पुलिस ने पिछले ही हफ्ते अनंत सिंह का पटना में वॉइस सैंपल टेस्ट भी करवाया। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।